संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे जन्मो जन्म से ये नाव डूबी है क्योंकि एक नाव के तरफ दो तरफ से भी यदि प्रेशर आ जाए हवा का तो वो अटक जाती है और यदि छह जगह से आ जाए तो अटकने के साथ साथ डगमगाने लगती है और यदि बहुत जगह से आ जाए तो डूबने की संभावना है। ऐसे ही इस एक मन के पास, इस एक मन के पास दो तरफ से भी विचार आए तो वो मन अटक जाता है। सत्संग में जाऊँ या संसार में जाऊं, एक ही चॉइस होनी चाहिए। सत्संग में ही जाऊं, एक तरफ से वायु आएगी तो आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा तरफ से आएगी तो तुम अटक जाओगे। और उससे भी ज्यादा जगह यानी 240 जगह से यदि वायु आ रही है, कोई उधर खींच रही है, कोई इधर खींच रही है, या उल्टा कहो कोई उधर से दबाव डाल रही है मन पे, कोई इधर से दबाव डाल रही है मन पे, उस बेचारे मन का क्या होगा? आत्मा तो शुद्ध मस्ती में बैठा बैठा मुफ्त में लीला देख रहा है। मुफ्त में लिखते हैं ना हम लोग, फ्री में बैठे बैठे जगत के नाटक को देख रहे हैं। आत्मा को कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क किसको पड़ रहा है? अंतकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको फर्क पड़ रहा है और यही तुम्हारी नाव को डुबाते हैं। अब इसको यदि डूबने नहीं देना तो क्या करना है, अगले श्लोक में बोल दो वो भी। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाभावो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इतना समझ में आया कि इतनी जगह से वायु बह रही है, हमें अपनी नाव को एक दिशा में चलाना है। डगमग डगमग नहीं चलाना, डगमग डगमग नाव चले तो क्या मजा आएगा। फुल प्रॉपर फोर्स में एक दिशा में चले और डूबने तो बिल्कुल ही नहीं देना। इसके लिए मैं तुमसे प्रश्न करती हूँ, क्या तुम इंद्रिय के विषयों को बदल सकते हो? जितने हैं उतने हैं, सुनना है तो सुनना ही है, इनके विषयों को तुम बदल नहीं सकते। क्या तुम नहीं बदल सकते? ठीक है, रेड से मार्क किया जाए, नहीं बदल सकते इन इंद्रियों के विषयों को। इनके प्रकार बदल सकते हो सचेत अचेत और, इसको भी नहीं बदल सकते। तुम इनके भेद को बदल सकते हो, शुभ अशुभ को? नहीं, शुभ अशुभ को कैसे बदल सकते हो? सत्संग की जो सुवास है वो सत्संग की है, तुम्हारे रेस्टोरेंट की सुवास वहाँ की है, तुम बदल नहीं सकते। तुम बदल किसको सकते हो? राग और द्वेष को। खाली किसे बदलना है? तुम्हारे राग और द्वेष को। और इसलिए जब इन पुरुषों ने बोला कि जहां तहां से राग द्वेष रहित होना यही धर्म है, तो हम इनके फैन ना हो ये कैसे हो सकता है? हाउ सिंप्लीफाइड, हाउ मच सिंप्लीफाइड। राग द्वेष को ही हटा सकते हो। और राग द्वेष को हटाना यानी क्या? ये राग पड़ा है यहां कहीं, हटा देती हूं मैं इसको, ऐसा संभव है क्या? राग द्वेष को ऐसे हटाया जाता है? राग द्वेष को हटाना अध्यात्म में किसे कहते हैं ये समझ लो। राग को हटाना मतलब राग का रूपांतरण करना प्रेम में। राग का मतलब ये होता है दूसरों का उपयोग करूं अपने लिए, और प्रेम का मतलब होता है अपना उपयोग करूं दूसरों के लिए। राग को हटाना मतलब राग का रूपांतरण करना, उसका गुणधर्म बदल देना, अपना उपयोग दूसरे के सुख के लिए करना, प्रेम में बदलना। और दूसरी तरफ द्वेष है तो द्वेष को हटाना मतलब द्वेष का रूपांतरण करना क्षमापना में। क्षमापना, एकदम राइट टाइम पे सब कुछ आ रहा है। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि क्षमापना इस तरह से आए कि जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बस में काम ही है। तुम कर कितना सकते हो? 240 तरफ से जो वायु मंडरा रही है उसमें तुम कंट्रोल कौन सा फैक्टर कर सकते हो? विच फैक्टर? तुम विकार को ही कंट्रोल कर सकते हो। और विकार को कंट्रोल करना वो कोई वस्तु नहीं है
कि तुम उसको दबा दो, सप्रेस कर दो. विकार को कंट्रोल करना यानी राग का रूपांतरण करना प्रेम में, यह जीवन जीने की कला है. और द्वेष का रूपांतरण करना क्षमापना में. आगे क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ और साधारण मनुष्य में मुख्यतः क्या फर्क होता है. अद्भुत श्लोक है ये. अगर इसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ ना, सिंपल भाषा में यदि इस श्लोक का अर्थ मैं तुम्हें पहले कहती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके लिखा है. 69, स्थित प्रज्ञ का सीधा सीधा अर्थ होता है जिसमें संसारी, जिसमें जगत या संसारी सोता है उसमें ज्ञानी जागता है, जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत सोता है. इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत सोता है, जिसमें जगत जागता है उसमें ज्ञानी सोता है. देखते हैं कौन सा बेड है इनका, किस तरह से सोते हैं, देखते हैं अभी. लाओ 69. या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः. संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है. जगत किस में जी रहा है, माया में. जीव, जगत और जगदीश तीन थे ना हमारे, है मतलब अभी भी है, समझाने के लिए तब थे. जीव, जगत और जगदीश. अज्ञानी किसके अंदर जागा हुआ है, निरंतर किसकी तरफ उसकी दृष्टि है, जगत की तरफ. तीन ही ऑप्शन है. जीव, जीव में दो प्रकार के जीव है, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी. अज्ञानी जीव की दृष्टि किस में है, जगत पे. वो सतत जगत को देख रहा है, जागते सोते स्वप्न में भी जगत ही है उसके. और ज्ञानी किसको देख रहा है सतत, जगदीश को. ये फर्क बताया है, जगत जिसमें जागता है उसमें ज्ञानी सोता है. जगत जाग किस में रहा है, माया में, माया में जाग रहा है. ज्ञानी को सो गया उसमें, पूरे खर्रांटे लेके सो रहा है, और उसके हर खर्रांटे में से हे हरि प्रभु 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 की ही धुन आ रही है. ये ज्ञानी का लक्षण है. लेकिन अब तुम कान लगा के सुनना मत कभी, मैं सो रही हूँ कि इनके खराटों में सच में हरी हरी की. एक कहने का एक ढंग है, उपमा है, अलंकार है ये, कि उनके सोएंगे ना तो नींद में भी उनके ऊपर परमात्मा छाए रहते हैं. लेकिन ये जो अज्ञानी जीव है वो सोता भी है ना तो जगत छाया है, और ज्ञानी जीव सोता भी है ना तो उस पर जगदीश छाया हुआ है. बस ये फर्क बता रहे हैं. जो मनुष्य परमात्मा सन्मुख नहीं है, ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि एक भगवद गीता के साथ नए नए काफ़ी दृष्टिकोण खुल रहे हैं. जो मनुष्य भगवान के सन्मुख नहीं है, परमात्मा के सन्मुख नहीं है, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं मानते ज्ञानी. पशु भी जी रहा है और तुम भी जी रहे हो, ना तुम परमात्मा के सन्मुख हो ना पशु परमात्मा के सन्मुख है. तो एक रूप से देखो ना तो ज्ञानी कहते हैं हम पशु में, जानवर में, और मनुष्य तुम में. यदि तुम परमात्मा सन्मुख नहीं हो तो कोई भेद नहीं देखते. बस दिख दिख के एक भेद हमें जो दिखता है ना पशु में और मनुष्य में, वो यह दिखता है कि मनुष्य दुखी होता है, मनुष्य डिप्रेशन में जाता है, पशु दुखी भी नहीं होता, पशु डिप्रेशन की सुबह शाम गोलियां भी नहीं खाता. बस इतना भेद हमें दिखता है. इस भेद का कारण क्या, कारण ये है कि जो संभावना तुम्हें ईश्वर ने दी, जो साधन तुम्हें ईश्वर ने दिया, उस साधन का तुमने उपयोग ही नहीं किया. तुम्हें विवेक दिया था, तुम्हें बुद्धि दी थी, जो स्थित में स्थिर हो जाए, स्थित प्रज्ञ बन जाए. जानवर के पास, पशु के पास तो उस जाति की तीक्ष्ण बुद्धि ही नहीं है. जिसके पास साधन नहीं है, एक ही बाप के दो बेटे हो, एक बहुत होशियार हो और एक बहुत ही डम्ब हो, नालायक हो, तो जो होशियार है उसके कम्मा का है ना, तब बाप को दुख होता है कि नहीं. जो डम्ब है उसके कम्मा सहेंगे तब दुखी नहीं होगा. इसी प्रकार जो हमारे को सुविधा दी है, संभावना दी है कि तुम इस मनुष्य जीवन में अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करके परमात्मा का अनुभव
कर सकते हो और फिर भी तुम उस साधन का उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए तुम दुखी हो। जब तुम अपने इस साधनों का उपयोग शुरू कर दोगे, जानवर के पास तो साधन ही नहीं है, है क्या? विवेक है उसके पास कि घास खाऊं हरी वाली के पीली वाली? ये विवेक है उसके पास, जो दे दो वो खा जाता है। मनुष्य के पास इतना विवेक है, साधन है, और साधन होने के बावजूद भी मनुष्य जब परमात्मा में नहीं जागता तो दुखी हो जाता है। वही मनुष्य जब परमात्मा में जाग जाता है तो वही मनुष्य सुखी हो जाता है। आगे देखो, स्थित प्रज्ञ का व्यवहार अब समुद्र के दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं। समुद्र जैसा उसका जीवन होता है, व्यवहार होता है। 70 नंबर का श्लोक। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यः यम् प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आप्नोति न कामकामी। स्थित प्रज्ञ जनक की याद आ जाती है, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। समुद्र की चार विशेषताएं जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य के अंदर देखने को मिलती है, जो समुद्र के अंदर है वही चार। पहला, समुद्र गंभीर होता है, सभी नदी नालों तालाब सरोवर से जहाँ से भी पानी आए उसको अपने में समा लेता है कि नहीं? कि वो पानी आ जाए तो उसको मना करता है कि नहीं नहीं, वो जैसा पहले था, नदी नालों से हजारों गैलन पानी आ जाए फिर भी वो वैसा का वैसा रहता है। स्थित प्रज्ञ भी ऐसा होता है, जैसा वो अपने स्वरूप के अंदर स्थिर है, अपनी उसकी प्रज्ञा ईश्वर में स्थिर है, वैसा ही कैसे भी नदी नालों कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ उसके जीवन में आ जाती है, शुभ अशुभ उदय आ जाते हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी वो जितना गंभीर पहले था उतना ही गंभीर उसके बाद में होता है। स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण समुद्र जैसा। सर गप धासा साध पगर सरे गर गर साधरे गर गर सर गप धासा साध पगर सरे गर गर साधरे गर गर सा। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जन हारा, इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जन हारा, इस घट अंतर सात समुंदर इस घट अंतर सात समंदर इसी में नौलक तारा, इसी में नौलक तारा, इसी में नौलक तारा, इसी में सिर जन हारा। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जन हारा, इसी में सिर जन हारा। इस घट अंतर पारस मोती, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा, घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा, इसी में परखन हारा, इसी में परखन हारा, इसी में सिर जन हारा। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जन हारा।
इस घट अंतर अनहद कर जय इस घट अंतर अनहद कर जय इसी में उठत फुहारा घट अंतर अनहद कर जे इसी में उठत पुहारा इसी में उठत पुहारा इसी में उठत पुहारा इसी में सिर जनहारा इसी में सिर जनहारा इस घट अंतर सात समंदर इसी में नौलख तारा इसी में नौलख तारा इसी में नौलख तारा इसी में सिर जनहारा कहत कबीर सुनो भय साधो कहत कबीर सुनो भय साधो कहत कबीर सुनो भय साधो इसी में साई हमारा कबीर सुनो भय साधो इसी में साई हमारा इसी में साई हमारा इसी में सिर जनहारा इसी में सिर जनहारा सर गबधा सा सद भगर सरे गर गर सधरे गर गर सा इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिर जनहारा इस घट अंतर सात समंदर इसी में नौलख तारा इसी में नौलख तारा इसी में सिर जनहारा इसी में सिर जनहारा इसी में सिर जनहारा